साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई फैशन डिजाइनिंग की प्रदर्शनी। कुल सचिव ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। बरेली साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज में राज्य ललित कला एकेडमी के सहयोग से एक फैशन डिजाइनिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने किया। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने कलमकारी, एम्ब्रॉयडरी, पैटर्न मार्किंग, नोजल फ्री, हेड डिजाइनिंग आदि कलाओं का प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजकेश अरोरा ने छात्राओं की कला की सराहना की। प्रदर्शनी में डॉक्टर शशिवाला राठी, डॉक्टर अलका जायसवाल, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर शशिकुल शुक्ला, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर लक्ष्मी रेणुका गंगवार, मोनिका कामाक्षी, डॉक्टर ज्योति आदि का सहयोग रहा। डॉक्टर अलका जायसवाल, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। ये हमारे यहाँ बीए और एमए में संचालित है विषय के रूप में, परंतु ये जो कार्यशाला करी गई है ये राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ से है, जिसकी एक महीने की कार्यशाला हमारे यहाँ रेगुलर वेकेशंस में चली हैं, और उसी का ही ये कार्य है जो हमारी छात्राओं ने तैयार किया है और प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ सारा दर्शाया है। इसमें इन्होंने कलमकारी और फैब्रिक पेंटिंग, ज्वेलरी, फ्री हैंड पेंटिंग, लैंडस्केप, इससे संबंधित बहुत सारे टाई एंड डाई, इस तरह से कई सारे कार्य करें। और सबसे अच्छी बात तो यह है, इस प्रदर्शनी में इन बच्चों का माल बिका भी है, जो लोगों ने बहुत पसंद किया है, और ये 11-15 को इसका समापन है। उसके बाद जहाँ ये माल बिका है वहीं पर ये दे दिया जाएगा। आशा है कि ये बच्चे आगे बढ़ें और इसी तरह से आगे बढ़ें। धन्यवाद। इसमें हमारे यहाँ 86 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। समापन के लिए हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आर एस पुंडीर, राजमंत्री लखनऊ एकेडमी, राज्य ललित कला एकेडमी से। सोमवार को 11 बजे इसका समापन। मोनिका बेस्ट। क्या बनाया आपने? मैंने कलमकारी की साड़ी बनाई है, जिसमें सबसे पहले मैंने उसमें स्केच किया, फिर उसके बाद उसे फैब्रिक कलर्स लेके आउटलाइनिंग की है, फिर उसके बाद उसमें फिलिंग वर्क करते हैं, और इस तरीके से डिज़ाइनिंग करके उसमें कलर्स का वेरिएशंस लेके हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। और काफ़ी सारी ज्वेलरीज बनाई हैं जो उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ लिया है। ज्वेलरी में हम लोगों ने फ्री हैंड भी बनाई है, कुछ कलमकारी के मोटिव्स लेके बनाई है, कुछ ज्योमेट्रिकल्स फॉर्म लेके बनाई है, और उसमें हमने भी। मैं भावना सागर, बीए मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से किया है, एमए प्रीवियस इस बार फॉर्म डाला है। ये स्कर्ट मैंने बनाई है, इसमें कलमकारी वर्क किया है, और क्या कहते हैं, इसको ट्रेस किया सारी फिगर्स को लेकर, उसके बाद इसको ब्रश से ड्रॉ करके इसमें फैब्रिक पेंट किए, बाकी स्टिचिंग भी मैंने की है, और काफ़ी इसको मतलब लेस वगैरह से डेकोरेट किया है, और इसके साथ ज्वेलरी भी बनाई है, वो भी कलमकारी से फैब्रिक पेंट से यूज़ करके बनाई है। शहरीना, ये मैंने ड्रेस बनाई है, और मैं साहू राम स्वरूप कॉलेज की हूँ और एमए में एडमिशन ले रही हूँ, एमए फर्स्ट ईयर, और ये मैंने ड्रेस खुद डिज़ाइन किया है, ये मैंने एली वर्क किया है इसमें, और इसको बनाने में 1 मंथ पूरा लग गया है, बहुत मेहनत हुई है इसमें, और इसको मैंने ये एली मार्केट से मिलती है, लेकिन मैंने इसको खुद कोन वगैरह से बनाकर इसको खुद डिज़ाइन किया है। थैंक यू। सर, मेरा नाम मनु अग्रवाल है, मैं एमए होम साइंस से कर रही थी, लेकिन मैंने एमए छोड़ के बीएड किया, इस वर्कशॉप चल रही थी तो मैंने कहा कर लूँ, तो मुझे डिज़ाइनिंग का शौक था, तो मैम से साथ में मिलके ये ड्रेस तैयार करवाई है। इस ड्रेस में हमने पैचवर्क का मोस्टली डिज़ाइन किया है, जिसमें पैचवर्क में हमने टोटल डिज़ाइनिंग करके, ड्राफ्टिंग करके, उसके बाद में पैचवर्क से डिज़ाइन किया, इसमें पेंटिंग किया है, और फ्री हैंड का भाई यूज़ किया है, नीचे बॉर्डर रेडी किया है, लेस वेस लगा के ये ड्रेस तैयार किया है, लहंगा पूरा हमारा मैम ने रेडी करवाया था इसको, और इसमें इसको बनाने में पूरा 1 महीना लग गया था, क्योंकि इसमें काम बहुत था, इसमें लागत हमारी 2007 तक की आ गई लागत, क्योंकि सर इसका ये फैब्रिक जो है ना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इसके अंदर जो लहंगे में यूज़ हुआ है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और बाकी इसकी लेस वगैरह जो यूज़ हुई है वो आई है। सोनम हसन, मैंने बीए फाइनल किया है, अब मैं एमए में एडमिशन ले रही हूँ। मैंने प्लाजो टॉप और शक बनाया है, ये वाला, और इसकी स्केचिंग भी की है, इसमें कलमकारी वर्क किया है, और मतलब
उसको मतलब उससे कलम आ रहे हैं, फिर पहले पेन का यूज़ कलम का यूज़ करके किया है और फिर वो फेब्रिक कलम आ रहे हैं उसके अंदर। मेरा नाम सर अर्पिता है और मैं फैशन डिज़ाइनिंग से एमए कर रही हूँ। यहाँ से मेरा इस साल एमए प्रीवियस है और ये साड़ी मैंने बनाई है, फ्री हैंड वर्क है मेरा और इसको मैंने ट्रेस करके और नाइकाज मैंने इसको लिया है, नाइकाज हैं सारी और मैंने सब पे पूरी साड़ी पे पूरे एक मोटिफ लिया है। आप देख सकते हैं सर इस साइड में पूरा ये साड़ी मेरी अलग अलग मैंने पूरा बनाया हुआ है और ज्वेलरी आप ये देख लीजिए, ज्वेलरी जो है मेरी ये कलमकारी पहले इस पर किया है, फिर इस पर मैंने फैब्रिक कलर से पूरा पेंट किया हुआ है और पूरी साड़ी मेरी मेरा सर इसमें समथिंग 1000 आ गया, 1000 और मेरा इसमें डेज लग गए थे 15 days। कब से कर रही हैं डिज़ाइनिंग का? मेरा तो सब्जेक्ट वाइज है सर, तो मैं बीए में ही मैंने बीए फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट ले लिया था, मेरे को इस साल चौथे साल हो जाएगी एमए में सर। आगे चल के क्या करना चाहती? मैं सर फैशन डिज़ाइनिंग ही बनना चाहती हूँ, फैशन डिज़ाइनर मुझे बहुत। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।